हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ और लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। जो भी आप लोगों के सजेशन मिले हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप लोगों ने जो कमेंट किए उनके थ्रू, जो भी मेजोरिटी जो कमेंट है उनके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि अब इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ही पढ़ाया जाए। तो मैं बात करूँ आप लोगों से ट्वेल्थ के सभी ट्वेल्थ के चैप्टर्स की, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि ट्वेल्थ में जो अपन पढ़ते हैं उनमें जो मैक्सिमम चीज़ें जो पढ़ते हैं वो अपन किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि जो आप लोग देखोगे भी, जितने भी ट्वेल्थ में आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे उन सब में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग एक तो चार्ज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ते हो चार्ज के बारे में। चार्ज से रिलेटेड आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। कई चैप्टर्स में आप लोग देखोगे चार्ज रेस्ट पे रहेगा, जैसे कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे कि चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। फिर अपन फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्म मूवमेंट करने लग जाएगा, यानी कि एक समान रूप से गति करने लग जाएगा। और जब चार्ज एक समान रूप से गति करने लग जाएगा तब अपन देखेंगे कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है, और जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे यानी कि चार्ज का जो ड्रामा हो रहा है, जो चार्ज का जो पूरा पूरा जो ड्रामा हो रहा है उसके बिहाफ पे अपन ने क्या कर रखे हैं, ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है। तो इसी के इसी से रिलेटेड आप पांच सात चैप्टर्स पढ़ोगे यानी कि ट्वेल्थ की फिजिक्स में। फिर अब आगे बात करें, चार्ज से आगे बढ़े तो अपन देखते हैं चार्ज के बाद अपन लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी, जिससे अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब किसके पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड ड्रामा पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो मेजरली अपन तीन चीज़ें पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं और फाइनली मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपल सिंपल सा आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाए ताकि आप कंप्लीट जो ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स है उसमें अपन एक्चुअली पढ़ते क्या है, ठीक है। तो चार्ज पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं और साथ ही साथ अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि रिसेंट में डेवलप हुई जो भी यानी कि रिसर्च है उन सब चीज़ों के बारे में है, रिसेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी है यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी से सब चीज़ें चल रही है, जो 19th सेंचुरी के बाद की जो फिजिक्स है वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आ रही है। लेकिन इसमें ये वो वाला सेक्टर है जिसमें आप लोग चाहो तो इसमें अभी भी स्कोप है कि आप लोग इसमें रिसर्च कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है जी। तो ये थोड़ा इसमें रिसर्च अभी भी थोड़ी जारी है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रिसेंट में डेवलप हुआ है ना, ये काफ़ी पुराना पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स। तो मेजरली तीन पोर्शन होते हैं जो कि अपन ने देख लिया। अब अपने को सबसे पहले जो पोर्शन पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें अगर अपन इसकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने तो बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, लिख मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो पूरा पोर्शन है जिसमें अपन किसकी डील करते हैं, चार्ज से रिलेटेड डील करते हैं, ठीक है ना, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज, सिंपल सा अपन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। तो जो स्टडी ऑफ चार्ज है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इसी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अपन अब पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स अपन इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब इसमें अपन सबसे पहले जब हम चार्ज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बात करूं तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जो पूरा पोर्शन तो 3-4 मंथ्स चलता है, तो इतना बड़ा काफ़ी लंबा पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन यही होता है कंप्लीट ट्वेल्थ का। तो सबसे पहले अपन को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब अपन को चार्ज से बहुत सारे समय तक डील करना है तो चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज अपने को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाइडिंग डाल लो कि अपन सबसे पहले चार्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चार्ज से रिलेटेड। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि सामान्य सी जो उसके आवेश जो होता है उसका गुणधर्म क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्म अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बेसिक सी बात करूं तो जो कि आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन मतलब 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है
उसके दो टाइप के नेचर होते हैं, मैं बोल सकता हूँ क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव की, दो टाइप के नेचर होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दो हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूँ या फिर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में काफी ज्यादा फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड इनमें क्या होता है, इनका जो फ्रेंडली रिलेशन होता है एक तरीके से, ठीक है ना, यानी कि एक बचपन का फ्रेंड हो गया जिससे अपन ये काफी ज्यादा घुल मिलते हैं, ठीक है, यानी काफी अच्छे उनसे क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इनमें जो इंट्रैक्शन होता है कैसा होगा, अट्रैक्टिव टाइप का होगा। जो अच्छे फ्रेंड होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्टिव टाइप का ही इंट्रैक्शन होता है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में बोल सकते हैं कि भाई कैसा होगा, अट्रैक्टिव टाइप का अट्रैक्शन होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो कैसा अट्रैक्शन होगा, रिपल्सिव, यानी कि दो दुश्मन हो गए एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बोल सकते हैं या फिर बैड फ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे कोई फ्रेंड नहीं है ये। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है भाई, रिपेल होता है, नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, रिपेल होगा। और अगर डिफरेंट चार्ज है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है जी। अब ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी के बारे में। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो चार्ज है तो आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो चार्ज की अगर मैं बात करूँ यूनिट, तो यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, सबसे पहले दो टाइप की अपन इसमें यूनिट जानने की कोशिश करेंगे, एक तो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, और एक सीजीएच यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट मैंने आप लोगों को 11th क्लास के जो लेक्चर्स थे, जो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स ने मुझसे लेक्चर लिए थे, उन लोगों को मैंने बताया था कि जो ऐसा यूनिट्स वगैरह होती है कुछ और होती है जो साइंटिस्टों के नाम द्वारा भी जानी जाती है। तो जो इसे साइंटिस्ट के नाम द्वारा जानी जाने वाली यूनिट जो है ऐसा ही, वो क्या है, कूलाम। कूलाम जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, चार्ज की, ठीक है जी। इसी तरीके से बोल सकता हूं ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है। इसी तरीके से सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब अपन बात करें कि भाई सीजीएस यूनिट यानी कि ईएसयू बोल सकता हूं, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो वन कूलाम, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी भाई बताओ रिलेशन, बताओ एक कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो रिलेशन क्या बोल सकते हो आप लोग, कि वन कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ई एस यू। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों से बोलूं तो बेसिकली आप लोगों को इतना कुछ यूज में नहीं आता कि ई एस यू की फॉर्मेट में, मुझे ज्यादा लगता है बहुत कम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अगर दिखेंगे तो दिखेंगे, लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड जो यूनिट है ऐसा यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कूलाम होती है, ठीक है जी। तो ये अपनी दो प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। आगे अपन बढ़े थर्ड प्रॉपर्टी पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, तो आप लोग सोच सकते हो एक मिनट के लिए पॉज करके कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी चार्ज की। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। तो यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, थर्ड पॉइंट में बोल सकता हूं क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और ये क्या होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब आप देख सकते हो कि ये एक कूलाम नहीं है, ये एक कूलाम से बहुत छोटा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ है, 10⁻¹⁹, इट मींस नीचे क्या होगा, 10⁻¹⁹ से डिवाइड, यानी कि एक कूलाम से बहुत छोटी यूनिट हो गई। वही कूलाम क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, ये क्या है, एक कूलाम से भी काफी छोटा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गई है, ठीक है। तो इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, यही सबसे छोटी चार्ज की यूनिट होती है, दैट इज प्लस माइनस ई अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि भाई क्वार्क्स नाम की भी कोई चीज होती है,
वाक्स भी एक तरीके से चार्ज की यानी कि इससे भी छोटी यूनिट जो होती है, किससे, इससे भी छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, क्वार्क्स होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों से अगर पूछा जाए या फिर आप लोगों से कहीं न्यूमेरिकल में यूज में हो तो आप लोगों को यही लेना है, यही लेना है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कि फोर्स अगर कोई दो आवेश है ठीक है वो एक मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनमें सबसे मिनिमम फोर्स निकालो, भाई मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है वो निकालो ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल अपन अभी करेंगे, आप लोग सोच सकते हो, अभी मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद सोचना कि क्या मिनिमम फोर्स हो सकता है दो आवेश हैं जो कि एक मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कूलम्स लॉ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद सोचना ये ठीक है। तो क्वार्क्स ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है और जो कि वो क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, इसके कैसे प्लस माइनस ई बाई थ्री प्लस माइनस टू ई बाई थ्री इस फॉर्मेट में ये होता है। लेकिन अपने को इसके बारे में नहीं जानना, बस अपने को ये बस थोड़ा सा ऐसा ऐसे ही है, इसको ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना इसके बारे में। अपने को ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ई होती है, इससे छोटी कुछ होता नहीं है। लेकिन बस आप ये अपने नोट्स में लिख सकते हो नोट्स में, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने के लिए ठीक है जी। आगे अपन बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज से आगे बढ़े हैं, तो मैं आप लोगों से पूछूं, मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई बॉडी है ठीक है, ये कोई बॉडी है जी, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है भाई, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी का बोलने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या है, उसमें चार्ज नहीं है, तो इसमें चार्ज है कि नहीं है। तो न्यूट्रल बॉडी का बोलने का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो बॉडी कैसी होगी भाई, न्यूट्रल होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें चार्ज ही नहीं है ठीक है, चार्ज होंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि न्यूट्रल बॉडी थी, इसके अंदर से मैंने मान लो सात इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, इसने क्या कर दिया, सात इलेक्ट्रॉन दे दिए इस बॉडी ने। अगर इस बॉडी ने सात इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कितना चार्ज बच जाएगा, तो इसके हम बोल सकते हैं प्लस सेवन, प्लस सेवन बच जाएगा। क्या मुझे बताओ कि आप ऐसे कर सकते हो कि इस बॉडी में से साढ़े सात इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपन जानते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, ई होती है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर अपन लेंगे तो क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, ऐसे ले सकते हैं, या फिर एक दे देंगे, दो दे देंगे, इस तरीके से दे सकते हैं ठीक है। तो इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता ठीक है ना, ई जो होता है वो सबसे छोटा होता है, अपन लेंगे या फिर देंगे तो वो इससे इसके इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे ठीक है जी, इसे क्या देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में ही अपन देंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही देंगे तो अपन बोल सकते हैं कि जो चार्ज जो होता है, जो चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है भाई, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ई का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की बात करूं तो क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, एंड इंटीजर बोल सकता हूं इनको ठीक है, और एन मतलब प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। अगर जीरो कर दिया तो फिर कोई चार्ज होगा ही नहीं, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा भाई, वन टू थ्री जो भी है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, क्या है इंटीजर से, तो ई क्या होगा, ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा ठीक है ना, ई इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ठीक है जी। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों के क्वांटीकरण से अपन क्या समझते हैं, आवेशों के क्वांटीकरण से अपन इतना सा समझते हैं कि जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ठीक है जी, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इतना सा अपन समझते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, ई का, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसा मैं जिस फॉर्मेट में मैं बोल रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो कि जो भी आवेश होगा, जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा,
ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और एन क्या होगा, प्लस माइनस 1, 2, 3 इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से कुछ स्किप कर दिया शायद सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट पे आप ये चीज़ें और लिख लेना कि जैसे मैंने आप लोगों को जहाँ पे यूनिट बताई थी चार्ज की, जहाँ पे आप लोगों से मैंने ये लिख लेना भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आप लोगों को मैंने सेकंड पॉइंट बताया था वहाँ पे अपन एक पॉइंट मिस कर दिए। पॉइंट क्या कि बस उसमें कुछ नहीं हो ज़्यादा खास नहीं आप लोगों को, यानी कि पता होगा वैसे भी, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो चार्ज होता है यानी कि मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट पे आप लोग लिख लेना ना, 9.1 × 10⁻³¹ kg। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, यानी कि आवेश का द्रव्यमान, भाई आवेश का द्रव्यमान, ठीक है, और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, भाई मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन एक्चुअली में होता कितना है वो अपन देख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और वो कितना होगा 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 10⁻³¹ है और यहाँ पे क्या है 10⁻²⁷ है, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आप लोग सेकंड पॉइंट में नोट कर लेना। तो अपन ने आवेशों का क्वांटीकरण देख लिया, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। तो आवेशों का क्वांटीकरण आप लोग समझ चुके हैं, आप लोगों ने नोट भी कर लेना कि कोई भी बॉडी होती है उस पर जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, ठीक है ना। या फिर मैं लिखवा देता हूं जो मैंने बोला है वही आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ पॉइंट अपन बोल सकते हैं क्या, समझना जरा। मान लो मैंने कोई बॉडी ले ली, ठीक है जी, मैंने कोई बॉडी ले ली, और इस बॉडी की कैसी बॉडी है, ये आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इसको एनवायरनमेंट से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। एनवायरनमेंट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जो भी इसके अंदर चार्ज है वो ऐसे नहीं कि एनवायरनमेंट में चले जाएंगे या फिर एनवायरनमेंट से इसमें कुछ आ जाएगा, जो भी है ये सिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट से आइसोलेट है, ठीक है जी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैं इनमें कोई दो तीन अलग पोर्ट्स ले लेता हूँ। मान लिया एक पार्ट ले लिया ए, सब पार्ट ले लिया इसके बी एंड सी, इसमें मैंने बोल दिया कि प्लस टू, इस पे मैंने बोल दिया -3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है एक, या फिर आप ऐसे बोलो 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे क्या है -3 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है 1 कूलम चार्ज है। जो ए बॉडी थी उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, बी बॉडी पे -3 कूलम चार्ज है, सी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, इनिशियली ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये बॉडी क्या है, आइसोलेटेड है। तो ये आइसोलेटेड है तो मैं बोल सकता हूँ आप लोगों से, फिर मैंने क्या किया इस बॉडी में, मैंने इस बॉडी को पकड़ा, इस बॉडी को पकड़ा और हिला दिया, ठीक है जी। इसमें मैंने कुछ कुछ कर दिया भाई, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, हिला दिया। अब हिला देने के बाद क्या होगा, अब इनके ऊपर हो सकता है कि चार्ज जो है, अब मैंने देखा हिला देने के बाद मैंने पता लगाया कि जो ए वाली बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज आ गया 1 कूलम, बी वाली बॉडी पे आ गया -1 कूलम, और जो सी वाली बॉडी है उसके ऊपर आपको चार्ज बताना है। ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई पहले इनिशियली कैसे था, बाद में ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब इसको करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उस आइसोलेटेड बॉडी में जो भी चार्ज है, भाई इस आइसोलेटेड बॉडी में जो भी नेट चार्ज था, इसमें नेट चार्ज कितना है 3 - 3 0, नेट चार्ज कैसे निकालोगे,
टोटल जो भी चार्ज उसको ऐड कर दोगे तो 3-3 0 है इसमें तो नेट चार्ज। तो जो भी आइसोलेटेड बॉडी है उसमें नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी, बस जो भी आइसोलेटेड बॉडी होगी उसमें नेट चार्ज क्या रहना चाहिए, 0 नहीं। जो भी आइसोलेटेड बॉडी उसमें नेट चार्ज 0 नहीं, इसमें 0 है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जो भी बॉडी है उसमें नेट चार्ज, आइसोलेटेड बॉडी में नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए, यानी कि संरक्षित होना चाहिए। यानी कोई भी अगर विलगित निकाय है, यदि कोई भी विलगित निकाय है तो उसमें जो कुल आवेश है, जो उसमें जो कुल आवेश है वो कैसा होना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो अपने ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि ये आइसोलेटेड बॉडी भी है, इसमें जो इनिशियली चार्ज है जो मैंने हिलाया नहीं था उससे पहले का जो चार्ज है, जो भी इस बॉडी में ऊपर चार्ज है वो किसके बराबर होना चाहिए, हिलाने के बाद जो भी चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि चार्ज कहीं कंजर्व यानी कि संरक्षित का मतलब क्या है कि उसका कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ भाई, चार्ज का कहीं कोई भी कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह कुछ चार्ज हुआ नहीं, जो भी चार्ज पहले था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, भाई चार्ज ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन चार्ज यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय नामक कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो शुरुआत में कितना चार्ज है, 2+ इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, वही आइसोलेटेड बॉडी है तो इनिशियल चार्ज कितना था, 2+1-3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1-1+x भी होना चाहिए। क्योंकि अपने देखा कि आइसोलेटेड बॉडी है तो उसमें जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। यानी कि विलगित निकाय जो है उसमें जो नेट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। ठीक है जी, तो क्या हो गया, 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0+x, यानी कि x के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, x क्या आ गया, 0 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि कोई भी बॉडी अगर आइसोलेटेड है तो उसमें नेट चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है ना, कोई भी बॉडी यदि आइसोलेटेड होती है तो उस पर जो नेट चार्ज प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, उसका कोई डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होगा चार्ज। ठीक है जी, तो एक बात थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपने 5 पॉइंट देख चुके हैं अभी तक। 5 पॉइंट कौन कौन से थे, अपने देखा कि नेचर ऑफ चार्जेस यानी कि नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। फिर अपने सेकंड प्रॉपर्टी देखी कि यदि यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज देखी, जो कि क्या होती है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है, और सीजीएस यूनिट अपने देखी ESU होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3×10⁻¹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है जी, फिर अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी देखी, थर्ड प्रॉपर्टी उसमें अपन ने और भी कुछ देखा सेकेंड पॉइंट में कि यानी कि 1 कूलम्ब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, उसका चार्ज कितना होता है, -1.6×10⁻¹⁹ होता है। ठीक है, अगर आप चार्ज ऑफ प्रोटोन की बात करें तो वो जो माइनस था वहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर चार्ज में क्या होता है, चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन जो उसमें माइनस प्लस का फर्क होता है, ऑपोजिट चार्ज यानी कि ऑपोजिट क्या होता है, यानी कि वहाँ पे माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होगा चार्ज, तो प्रोटॉन पे क्या होगा, 1.6×10⁻¹⁹, ऐसा अपन ने सेकंड पॉइंट में देखा। ठीक है, और साथ ही साथ अपन ने देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था भाई, 9.1×10⁻¹⁹ kg। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, एक्चुअली में बराबर होते हैं। ठीक है, और होते कितने हैं, 1.67×10⁻²⁷ kg। और अगर अपन बात करें, सर हमें ये भी पता चल गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, मास चार्ज यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चल गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन पता चल गया, मास ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है। तो भाई न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, फिर अपने थर्ड प्रॉपर्टी के बाद अपने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी, उसमें अपने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण देखा, और आवेशों का क्वांटीकरण में अपन ने ये देखा कि कोई भी बॉडी यानी कि कोई भी बॉडी है तो उसमें अपन जो चार्ज ले सकते हैं या फिर उसको दे सकते हैं वो क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ई का, और ई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज है, फंडामेंटल है वो तो, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है चार्ज की। ठीक है, तो उसी का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस फॉर्मेट में कभी नहीं होगा चार्ज कि भाई 7.5
कूलाम है, इस तरीके से फॉर्मेट अपन ने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। फिर अपन ने फिफ्थ पॉइंट की बात की कि जो भी आइसोलेटेड ओडी है उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, आइसोलेटेड बॉडी पे। अब अपन आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं यदि कोई भी बॉडी क्या है भाई, अगर किसी बॉडी में चार्ज है, अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो बॉडी में मास होगा? बिल्कुल जी। यदि किसी बॉडी में क्या है भाई, चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी में क्या होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। यानी कि बिना अगर चार्ज है तो मास का होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मास है किसी बॉडी में तो उसमें चार्ज होगा ही होगा। अपन ऐसे बोल सकते हैं यदि आवेश है तो उसमें मास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि यदि मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ठीक है जी। ये आप चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप फर्दर पॉइंट में बात करें या फिर आप इसी पॉइंट में ऐड कर लेना सिक्स वाले पॉइंट में, इसको भी जो मैंने अभी बोला उसको भी इसी पॉइंट में ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अब सिक्स पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने एक रिलेशन ये देखा, ये रिलेशन एम बराबर एम नोट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये एम नोट जो होता है ये क्या होता है, रेस्ट मास। क्या होता है भाई, रेस्ट मास होता है, ठीक है। और ये क्या है, वेरिएबल, चेंज होता रहेगा। अब सुनो कि जो मास जो होता है ना, मास यानी कि आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि मास अगर किसी बॉडी में है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज होगा ही होगा, ठीक है ना। इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मास देन देयर इज, यानी कि देयर इज नो केस दैट मे बी चार्ज इज प्रेजेंट और नोट, ठीक है ना। चार्ज उसमें प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि चार्ज है, ठीक है ना, इफ देयर इज अ चार्ज देन इट हैव सम मास, ठीक है ना। अब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उसमें कुछ ना कुछ चार्ज है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, मास भी होगा। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज हो, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो आपको परफेक्ट लैंग्वेज भी लिखना आना जरूरी है, ठीक है। नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और किसी चीज़ को अगर अपन समझ पाते हैं तो लिखने में अपने को लिखना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते अपनी लैंग्वेज में फॉर्मेट में लिखते हो तो आप ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाओगे। और हो सकता है आप इनिशियली अच्छे तरीके से नहीं लिख पाओ, लेकिन आपकी आदत बन जाएगी लिखने की, और इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप पूरे साल भर खुद से लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, खुद के फॉर्मेट में आंसर लिखते हो, अगर आपने समझ लिया है और फिर आप खुद के फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिख देते हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप ये मान के चलो कि आपके उम्र भर वो चीज़ काम में आने वाली है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हो, समझ लेते हो और फिर भी आप किसी आंसर को रट रहे हो, ठीक है ना, तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको किसी जो कोई चीज़ समझ में आ गई है तो फिर आपको उसको यानी कि रटने की आवश्यकता नहीं पढ़नी चाहिए। आप लिखो, टूटा फूटा लिखोगे एक बार, लेकिन जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद रहने वाली निश्चित है, ठीक है जी। आगे अगर आप बात करें तो रेस्ट मास है क्या, वेरिएबल मास है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मास जो होता है वो वेरी करता है। मास क्या करता है, वेरी करता है। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है ना, उसका मास वेरी करने लग जाएगा अगर उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है तो। अगर उसकी स्पीड किसके बराबर हो जाए, अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड, यानी कि क्या, स्क्वायर लाइट की स्पीड का, यदि लाइट की स्पीड का स्क्वायर के, यानी कि आपन ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड के बराबर, यदि किसी, उसे कंपेरेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेटिव भी यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा भाई, उसका मास वेरी करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर अपन जैसे मान लो मैं एक डाटा लेता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड ले लूँ, वेलोसिटी अगर मैं क्या ले लूँ, 1 मीटर पर सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ही है, और ये क्या है, 3 × स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ होता है भाई, और उसका भी स्क्वायर है तो क्या होगा, 16 हो गया। 10⁻⁶ नीचे है तब समझ सकते हो कितने पॉइंट के बाद कितने जीरोस लगेंगे, यानी कि ये वाली क्वांटिटी कितनी छोटी हो जाएगी। यानी कि अपन बोल सकते हैं इससे अच्छा तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और इसको मैं 3 × 10⁸ ले लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो क्या हो गया 0.000000 ऐसे बहुत सारे जीरो लगा दो, उसके बाद 1 कहीं आएगा,
यानी एक तरीके से जीरो हो गया, यानी कि वन में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी कि एम बराबर क्या हो जा रहा है, एम नॉट हो जा रहा है। यानी कि अगर अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइट ऑफ स्पीड जो होती है, स्पीड की जो लाइट होती है उसका कंपेरेटिव नहीं है, उसके कंपेरेटिव नहीं है तो मास वेरी नहीं करेगा। अगर उसे कंपेरेटिव है तो मास क्या करने लग जाएगा, वेरी करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मास वेरी करता है भाई, मास वेरी करता है किसके साथ साथ, स्पीड के साथ साथ। और स्पीड के साथ साथ कब वेरी करेगा, जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके स्पीड कंपेरेटिव हो जाएगी, लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेटिव। मैं इस जो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन से मैं आप लोगों को समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों अपन ऐसा बोल रहे हैं कि इसके कंपेरेटिव लाइट ऑफ स्पीड कंपेरेटिव होगा तभी अपन उसको वेरी करेगा मास, क्योंकि ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, अगर कंपेरेटिव नहीं है, अगर मैंने 1 लिया, 3×10⁸ लिया तो क्या भाई कंपेरेटिव नहीं है, ये बहुत छोटा है और ये क्या है बहुत बड़ा है। तो बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है तो नीचे क्या है 10⁻⁶ आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है तो क्या हो जाएगा 0 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, और 1 में से 0 घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एम बराबर एम नोट आ जाएगा। यानी कि मास्क में क्या हो, रेस्ट मास्क के बराबर क्या है, एम है, यानी कि मास्क में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, यदि स्पीड क्या है बहुत ही कम है, लेकिन यदि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो क्या होने लग जाएगा, आप लोग देख सकते हो, यदि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मान लो इसकी स्पीड भी क्या होगी इससे कंपेरेटिव होगी, तो कंपेरेटिव मान लो कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है v²/c² का जो रिजल्ट आ रहा है, अपन इसी स्पीड को इस हिसाब से ले लें, इसी स्पीड को इस हिसाब से ले लें कि ताकि जो इसका जो रिजल्ट आए v²/c² जो रिजल्ट आए वो मान लो ये आ गया 0.9999, इस तरीके से कुछ आ गया, तो मैं 1 में से 0.99 घटाऊंगा, एक तो 1 था नीचे, पहले वाला जो केस लिया उसमें तो 1 था नीचे, अब दूसरा वाला जो केस ले रहा हूं उसमें क्या होगा 0.1 नीचे होगा, 1 बढ़ा कि 0.1 बढ़ा, 1 बढ़ा, और नीचे जितनी छोटी संख्या होगी ऊपर क्या आएगी उतनी ही बड़ी संख्या आएगी। यानी अगर नीचे 0.1 है, अगर इसका रिजल्ट आएगा कितना आएगा भाई, 1 में से अगर 0.9 में से 0.999 घटाता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा 0.001, क्या आप 0.1 के अप्रोक्सीमेट आएगा, अगर मैं 1.9 ले लेता हूँ तो भी, तो क्या जाएगा 0.1 आ जाएगा, और 0.1 क्या है 1 से छोटा है, और अगर नीचे छोटा है तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि बढ़ रही है और कंपेरेटिव हो गई किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा उसका मास भी बढ़ेगा, यानी कि वेरी करेगा, लेकिन वो तभी वेरी करेगा जब इसके कंपेरेटिव होगी किसके कंपेरेटिव, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिव होगी। समझ में आता है जी? तो ये तो समझ में आ गया सर कि भाई मास वेरी करता है, लेकिन आप तो चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे, मास कहाँ से आ गया, ठीक है जी? तो आप लोग अब चार्ज के बारे में बताता हूँ, जो केस मास के साथ हो रहा है वो चार्ज के साथ नहीं होता, ठीक है ना भाई? चार्ज जो होता है वो मास के साथ वेरी नहीं करता, समझ में आ रहा है? चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ, मास के साथ नहीं, स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, ठीक है जी? यानी कि जो चार्ज होता है, अगर आप किसी कोई भी बॉडी में चार्ज है, यानी कि उसमें मास भी है, यदि कोई बॉडी में चार्ज, मैंने अभी भी बोला आप लोगों से ये पॉइंट कि यदि कोई बॉडी में चार्ज होता है तो जरूरी है, होगा कि उसमें मास भी होगा कहीं ना कहीं। भाई चार्ज है तो अपन देखा ना, भी इलेक्ट्रॉन भी होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, इट मीन्स अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, यदि किसी बॉडी में मास है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा। तो बोल सकता हूँ यदि किसी बॉडी में चार्ज है और यदि अपन उसको दौड़ा रहे हैं, उस चार्ज को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं उस चार्ज को, ठीक है, तो उसको अगर अपन स्पीड कितनी भी बढ़ा ले ऐसा नहीं होगा कभी भी कि उसके चार्ज में वेरिएशन आ रहा है, कि चार्ज कम ज्यादा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें चार्ज है तो उसमें मास भी है, अभी मैंने ये पॉइंट बोला, तो उसमें हो सकता है उसके जो चार्ज उसका मास में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन उसके चार्ज में कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा यदि अपन उसकी स्पीड को, यानी कि उसमें काफी ज्यादा स्पीड दे देते हैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिव, अगर 20 स्पीड करते हैं तो भी उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा स्पीड बढ़ाने पर। तो अपन बोल सकते हैं चार्ज जो है इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज, लेकिन मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, और मास वेरी करता है, मास क्या करेगा वेरी करेगा किसके साथ साथ, स्पीड के साथ साथ। अगर स्पीड क्या हो गई कंपेरेटिव हो गई स्पीड ऑफ लाइट के, तो मास क्या करने लग जाएगा वेरी, और अपन ये भी बोल सकते हैं वेरी कैसे करेगा, बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे फिर
स्पीड बढ़ती जाएगी चार्ज की वजह से, वैसे क्या हो जाएगा, मास भी बढ़ता जाएगा। तो यदि अब आगे बात करें तो अपन अब बढ़ते हैं आगे की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन और थोड़ा अच्छे से देखते हैं, अपने चार्ज के बारे में देख लिया तो थोड़ा आवेश के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। अपन ने मैंने अभी भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब स्टडी ऑफ चार्ज तो होती है, ये तो अपने को समझ में आता है, लेकिन स्टडी ऑफ चार्ज किस तरीके से, तो अपन वो देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज तो होती है लेकिन किस तरीके से होती है, किस वे में होती है, वो अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जब चार्ज क्या है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, यानी कि जब आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में है। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो अपन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो डील करेगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, चार्ज होगा किसमें, रेस्ट पे, ठीक है जी। और अपन बोल सकते हैं कैपेसिटर भी आप ढाल सकते हो, ठीक है जी। आगे बात करें तो व्हेन चार्ज चार्ज मोशन इज यूनिफॉर्म, भाई जो चार्ज का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कोई चार्ज तो उसमें भाई इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो आपको ये याद रखना है कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। उसको कंप्लीट लिख देता हूं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा, यानी कि चार्ज जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक समान रूप से गति करेगा, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है, साथ साथ वह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है। लेकिन अपन बेसिकली पढ़ते इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही है, किसमें, जब चार्ज मोशन करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसमें क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। अब इसमें चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स में अपन बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपन पढ़ेंगे उसमें चार्ज का क्या होता है, मोशन होता है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, थर्ड इज ईएमआई, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फोर्थ इज एसी, ईएमआई एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन करता है तब क्या होता है, उसमें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन चार्ज एक्सेलरेटेड, भाई चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड करने, एक्सेलरेट करने लग गया, ठीक है जी। व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, भाई जब चार्ज क्या करने लग गया, एक्सेलरेट करने लग गया, तब की अपन बात कर रहे हैं, तब क्या ड्रामा होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन पढ़ते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो आपस में क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर में होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें 90 डिग्री पे होता है, और साथ साथ वो क्या करती है, एनर्जी भी रेडिएट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, साथ साथ एनर्जी भी रेडिएशन होती है, ठीक है। तो EMW उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अपना इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है जी। तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ एनर्जी रेडिएशन, ठीक है। तो ये अपना एक डिवाइडेशन कर लिया अपन ने कि भाई ये सब अपन पढ़ने वाले हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है जी, तब अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि अपना पहला चैप्टर है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अच्छा चैप्टर है। अब देखो, आप लोगों को मैं इतना बोल सकता हूं कि जो आप लोगों ने 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है और 12th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है उसमें अगर आप लोगों से बच्चों से अगर पूछा जाता है तो जो उनके रिव्यूज मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि 12th क्लास की उनको आसान लगती है और 11th क्लास की थोड़ी टफ लगती है। तो 11th क्लास की वैसे देखा जाए तो आसान लगनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास की जितनी फिजिक्स है वो अपन अपन डेली लाइफ में देखते रहते हैं, यानी कि अपन अपनी आंखों से एनालाइज करते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, जैसे टायर वगैरह, जैसे कोई भी कुछ घूम रहा है, ठीक है ना, बॉडी रोटेट कर रही है, सरको यानी कि गाड़ी चल रही है, पहाड़ पे चल रही है, या फिर कुछ भी कोई सी भी प्रकार का मोशन हो रहा है, वो सारा अपने 11th क्लास में दिखता है। रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, जो भी होते हैं, जितने टाइप के मोशन होते हैं, 1D 2D, जितने भी मोशन होते हैं वो सारे मोशन अपन देखते हैं। वो सारे क्या होते हैं, अपन लाइफ में फील भी करते हैं डेली लाइफ में, डेली की डेली अपने जो रेगुलर बेसिस जो काम होते हैं उन सब में अपन एनालाइज करते रहते हैं। लेकिन इधर क्या आलोचना है कि जो 12th की जो फिजिक्स है उसको अपन कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा बहुत फील जरूर कर पाएंगे कि भाई करंट का फील करना है तो फिर अच्छे से फील कर सकते हैं। करंट तो काफ़ी लोगों ने फील भी किया होगा, ठीक है जी, तो करंट का फील करना है तो बताने क्या हो सकता नहीं वैसे तो मुझे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत फील होता है लेकिन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी होता है, अपने को सामने सामने चीज़ें दिखती भी हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th की फिजिक्स बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होनी चाहिए, बस उसमें यह है कि समझने का कंसेप्चुअली काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि शायद एक 10th से जो 11th क्लास जो मूविंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए 11th क्लास की फिजिक्स उनके लिए टफ हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है जी, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो अपन ने अभी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विथ चार्ज एट रेस्ट। भाई इसमें क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में अपन देख चुके हैं, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपन कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे उनमें चार्ज ड्रामा करेगा वो सब अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और सबसे पहले और सबसे यानी कि इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ही, कूलम्स लॉ। देखो बच्चों, कोई भी चीज पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीज ऐसा पढ़ा दी तो वो ऐसे ही पढ़ा दी। जो भी टीचर कोई भी चीज पढ़ाता है, हर एक टीचर जो भी चीज पढ़ाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से जो मेरा इनिशियल वाला जो लेक्चर था 10 मिनट्स का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था लॉज के बारे में। अब देखो, सबसे पहले जो 12th की फिजिक्स है मैंने स्टार्टिंग लॉज से किया। अब आप लोगों का क्लास यानी कि दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉज क्या होते हैं, और जो आप कूलम्स का लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें किस बेस पे कूलम्स का लॉ होगा, वो सब किसके बेस पे होगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे होगा। ठीक है जी, तो कूलम्स लॉ के बारे में अपन डील कर लेते हैं। अभी कूलम कौन है भाई, तो कूलम वो है जो भी साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया था इस चीज़ को, जो भी साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगाया था वही क्या है, कूलम साहब है। ठीक है जी, अब इसमें बात करते हैं तो कूलम साहब क्या बोलते हैं, कूलम साहब ने क्या बोला, किनके लिए बोला, उन्होंने बोला 2 पॉइंट चार्जेस के लिए अपना लो दिया। ठीक है, किसके लिए भाई, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। मैंने मान लिया एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज मान लिया Q2। एक चार्ज ले लिया क्या Q1 और दूसरा चार्ज क्या ले लिया भाई Q2 ले लिया। इसमें ले लिया मास M1 और इसमें ले लिया मास M2। ठीक है जी, Q1 चार्ज लिया उसका मास क्या ले लिया M1 ले लिया, और Q2 चार्ज क्या ले लिया उसका मास ले लिया M2 ले लिया। ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या ले लिया R ले ली। ठीक है जी, और डिस्टेंस क्या ले ली R ले ली। अब ध्यान से सुनना जी, Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है जी, Q1 और Q2 क्या है, सबसे पहले बात कि किसके लिए वैलिड है, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, 2 पॉइंट चार्जेस, वो भी किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, मोशन नहीं करने होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। तो अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है वो भी रेस्ट पे है, तो कूलम्स साहब ने ऑब्जर्व किए, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, जो उनका जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकला वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें मेरा जो भी मैं लिखूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो मैं नहीं, वो जो कूलम्स साहब ने बताया वही मैं आप लोगों को भली भांति बताऊंगा। उसके अलावा मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है इन सब चीज़ों में। ये सब लॉज हैं जो कि साइंटिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन किए हैं और जो आज वर्ल्ड वाइड सब पढ़ रहे हैं वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है जी,
तो क्यू वन और क्यू टू दो चार्जर है मास उनके बीच में एम वन और एम टू, ठीक है जी। अब देखना जरा, टू पॉइंट चार्ज है कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो ये क्यू वन जो है, जो क्यू वन जो है वो क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्यू वन क्या है, क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट आप ये समझ सकते हो कि क्यू वन क्यू टू पे फोर्स क्यों लगाएगा, वो तो बहुत दूर दूर दूरी पे रखे हुए हैं। क्या होता है भाई, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। जब चार्ज क्या होता है रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है क्यू टू के ऊपर, ठीक है जी। तो वो सब चीजें हैं कि यहाँ पे दिखने वाला कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो क्यू वन क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशन है कूलम साहब की, क्यू वन क्या कर रहा है क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्यू वन जो है क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑन टू, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, फिर मैं इसको वापस से लिख देता हूं, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू के ऊपर लगाना नहीं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, ठीक है। देखो कूलम मैंने आप लोगों से दीदी ये नहीं बताया होगा कि जो उसकी जो ऐसा यूनिट बता दी मैंने, और वो यूनिट जो है ना कि वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है चार्ज, तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है ये लिख लेना भाई, ये थोड़ा मिस हो गया तो ये लिख लेना, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोग कभी इसको वेक्टर की तरह नहीं जोड़ते, वेक्टर जैसे कि अपन बात करें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं, थ्री होता है या फोर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है फाइव आता है, इस तरीके से डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट करती है। लेकिन अगर इसमें बात करें, अगर चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो थ्री प्लस फोर यानी कि थ्री कूलम प्लस फोर कूलम क्या होता है, सेवन कूलम होता है, यानी कि उसको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। अगर जो चार्ज होता है उसको अपन सीधे सीधे जोड़ते हैं तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है जी। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें यानी कि चार्ज पे अगर बात करें तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। आप बहुत पूछ सकते हो सर चार्ज में तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, आप तो स्केलर बोल रहे हो। भाई आपने एक चीज पॉइंट मिस कर दी वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें क्या होता है डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, और वह वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ कैसे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इन सब चीजों को फॉलो भी करना चाहिए। तो चार्ज क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहीं फॉलो नहीं करता, ये थ्री है तो ये फोर है तो फाइव आना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, जो कि आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है थ्री प्लस फोर क्या होता है सेवन होता है, सेवन कूलम होता है, ठीक है जी। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता चार्ज, ठीक है जी। तो क्यू वन और क्यू टू दो अपन अपने मुद्दे पे आते हैं, कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है। क्यू वन और क्यू टू दो चार्जेस है, तो कूलम्स साहब ने ऑब्जर्व किया कि क्यू वन जो है क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 भी क्या कर रहा है भाई, Q2 भी कम नहीं है, Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लगा लें दो फोर्स ऑन वन डू टू टू, ठीक है जी। अब फिर क्या बोलते हैं कूलम साहब कि भाई Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, तो वो यही बोलते हैं कि भाई जो फोर्स तो लगा रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन फोर्स कैसे लगा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैं दो डंडे खींचा हूं इनका इलॉजिकल नहीं है कुछ भी, इसका मतलब होता है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू यानी कि जो पहला आवेश जो दूसरे आवेश को जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन वन यानी कि जो दूसरा आवेश जो पहले आवेश से फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स पहला आवेश दूसरे आवेश के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा भाई, सेम होगा। तो पहला पॉइंट तो ये आप नोट यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है उनमें दो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का फोर्स लगता है, फोर्स कैसे लगता है यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दूसरी बात कूलम साहब ने बोली कि जो जो फोर्स जो लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऑपोजिट होती है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, ऑपोजिट होती है, ऐसा कूलम साहब ने बोला। तो ऑपोजिट का मतलब ये नहीं है, ऑपोजिट का मतलब आप बात करें तो जैसे कि क्यू वन एक चार्ज है क्यू टू एक चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि Q1 के ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और ये क्या है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, भाई ऑपोजिट तो ये भी है भाई, जिसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है जिसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट बोलना गलत है
दोनों में ऑपोजिट फोर्स लग रहा है भाई। जितना फोर्स क्यू टू क्यू वन के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स क्यू वन क्यू टू के ऊपर लगा तो रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगा रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग होगी, जो उन दो पॉइंट चार्जेस को जो जोड़ने वाली जो लाइन होती है ठीक है उसके अलोंग होगी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यानी कि जो दो पॉइंट चार्जेस होती है उनके जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसके अलोंग ही फोर्स लगेगा। जैसे कि ये वाला बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो इस तरीके से कभी फोर्स नहीं लगेगा। तो कुलाम साहब ने क्या बोला, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, जो पहला दूसरे को जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा पहले के ऊपर लगाएगा। साथ ही साथ जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट तो होगी लेकिन दो ये जो चार्जेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके अलोंग फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? अब अलोंग का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन से चार्जेस लिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं। समझ में आ रहा है? इनको कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। हो सकता है अगर ये नेगेटिव चार्जेस हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये केस कब बन सकता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बन सकता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ बन सकता है। और आप ऐसे भी बना लो, ये फिगर भी बना लो भाई, फोर्स ऑन वन रूट टू टू और ये क्या है, फोर्स ऑन टू रूट टू वन। अब ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहे हैं दोनों आपस में। तो ये केस कब बनेगा, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो अपन ने अभी तक दो पॉइंट देख लिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड, कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन जो भी होगी लाइन, यानी कि जो भी आवेशों को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होगा फोर्स। यानी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये करना गलत है भाई। ये ऑपोजिट तो है लेकिन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग नहीं है, आवेशों को जो चार्जेस को जो जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग नहीं है। तो दो पॉइंट अपन ने अच्छे से समझ लिए ठीक है। और अपन देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो भाई कूलम्स साहब ने और क्या बोला, ये सब भाई एक्सपेरिमेंट बेस्ड कंक्लूजन है, इसे मेरे तरफ से कोई एडिशन नहीं है ठीक है। जो कूलम्स साहब ने बताए वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कैसा होने के लिए, ऐसा अगर आप लोग किसको गलत साबित करते हो तो आप लोगों को इससे बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने होंगे और इससे बेस्ट कंक्लूजन निकाल लेंगे और लोगों को वो एक्सेप्ट भी होने चाहिए ठीक है। ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ भी निकाल दिया वो थोड़ी लोग बाग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो आगे बात करें तो और क्या बोला कूलम्स साहब ने, और ये बोला कि भाई जो फोर्सेस जो लग रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन वन डूट टू जो है ठीक है, यानी कि जो फोर्सेस जो लग तो रहे। अब मैं उन्होंने देखा, अब उन्होंने क्या किया, पहले दो चार्जेस ले लिए भाई, उनके बीच उन्होंने फोर्स देखा, उन्होंने बताया कि फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जितना पहले के ऊपर लगा रहा है उतना दूसरे के, यानी कि जो पहला दूसरे के ऊपर लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले के ऊपर लगा रहा है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस होगी भाई, जो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली रेखा उसके अलोंग होगा ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब उन्होंने क्या किया होगा, आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया होगा, एक चार्ज को फिक्स किया होगा, दूसरे चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाई होगी, जो क्यू टू वाला चार्ज मान लो उसकी क्वांटिटी उन्होंने बढ़ाई। जैसे जैसे उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई, मान लो उन्होंने क्यू टू वाले चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाई, पहले एक कूलम था, अब उन्होंने दो कूलम कर दिया, फिर तीन कर दिया, फिर चार कर दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे उन्होंने चार्ज बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का फोर्स भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आवेश का जो, यानी कि आवेशों की जो क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी ठीक है ना, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, फोर्स भी बढ़ता जाएगा। समझ में आता है? यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ठीक है जी। यानी कि फोर्स क्या है, आवेश क्या है, समानी समानुपाती है ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू टू के भी भाई, क्यू वन के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स क्या है, क्यू टू के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि उन्होंने क्या किया, क्यू वन को बढ़ाया लिया, क्यू टू को भी बढ़ाया, तो क्या हुआ, दोनों जैसे जैसे उन्होंने क्यू वन क्यू टू की क्वांटिटी बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। फिर उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये किया होगा कि उन दोनों ने उन चार्जेस को क्या कर दिया होगा, फिक्स कर दिया होगा। अब फिर उनके बीच की दूरी को चेंज कर रहे हैं भाई, पहले उन्होंने मान लो एक सेंटीमीटर पे देखा, फिर दो पे देखा, पांच पे देखा, पंद्रह पच्चीस बीस, तो उन्होंने देखा जैसे जैसे जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच की जो मैं दूरी बढ़ा रहा हूं, जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच की जो मैं दूरी बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो जो पॉइंट चार्जेस उनके बीच की जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं
फिर क्या हो रहा है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। और वो भी रफ्तार से कम हो रहा है, वो भी कैसे कम हो रहा है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे कम हो रहा है, रफ्तार से कम हो रहा है, ठीक है जी। तो रफ्तार से कम होने का मतलब क्या है कि जो उनके बीच की दूरी मान ली आर थी, तो उसका क्या है स्क्वायर था। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फोर्स क्या है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है जी। तो ये कूलाम साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि आवेश के क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा समानुपाती होगा, और उनके बीच की जो दूरी का स्क्वायर क्या है उसके क्या होगा व्युत्क्रम होगा, ठीक है जी। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि अपन लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज डायरेक्टली अपन इसको प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देंगे तो क्या आ जाएगा एक कॉन्स्टेंट के ले लेंगे और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। अपन ने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लिया कि Q1 Q2 इनके से समान पाती है, इसका प्रोपोर्शनल है, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 इन अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी मतलब चार्जेस के बीच में लगने वाला बल, और चार्जेस कैसे हैं स्थिर यानी कि स्टैटिक चार्ज है, ठीक है जी। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो आप लोग लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। आप लोगों को ये जो है मैंने यहाँ पे बताया कि ये कैसा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी अभी कि यह हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है। अब सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग यानी कि जो आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है यानी कि पॉइंट चार्जेस को जो जोड़ने वाली जो लाइन है उनके अलोंग लग रहा है, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के अलोंग लग रहा है, किसी की पार्टिकुलर पॉइंट के अलोंग क्या है उस पार्टिकुलर पॉइंट के अलोंग फोर्स लग रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अपन देखते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर जो कि एक पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अलोंग क्या करता है घूम रहा है, और एक सेंटर के अलोंग फोर्स लगता है कौन सा सेंट्रिपिटल फोर्स, वो भी क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स होता है, यानी किसी पार्टिकुलर या फिर सेंटर भी बोल सकते हैं या फिर कोई पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं उसके अलोंग क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, उन्हें को क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या है समान है, और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और डायरेक्शन क्या है इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी कि अगर एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरा क्या है वेस्ट की तरफ, इसकी डायरेक्शन इसकी क्या है वेस्ट की तरफ है तो इसकी ईस्ट की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या हो गया सिस्टम के ऊपर जीरो हो गया। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करता हूँ आप लोगों से, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करता हूँ तो इस पूरे सिस्टम पे एफ नेट क्या हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा। तो अगर एफ नेट जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व, पी कॉन्स्टेंट रहेगा। पी क्या होता है, पी क्या मतलब मोमेंटम भाई, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करता है, और इसको लिख सकते हैं एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, समझ में आता है। अपन ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और साथ ही साथ अपने ये बोला कि एफ नेट क्या है जीरो है भाई, सिस्टम पे एफ नेट जीरो है तो एफ नेट जीरो तो अपन बोल सकते हैं मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, यानी कि पी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आप चाहो तो सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो, ठीक है जी। अब सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक बार बता भी देता हूँ वापस से ताकि आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो आप सबसे पहले पॉइंट लिख सकते हो क्या, ये उतार, ये शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है ना, नहीं उतारा तो इसको उतार लो, और फिर जो भी पॉइंट्स है वो सब आप लिख सकते हो बाई लैंग्वेज में, आप लिखवा बाई लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स है कूलम्स लॉ में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो
तो आपने समझ लिया तो अब आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने पहले समझा दिया, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। अब इसमें ये तो क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है टू पॉइंट चार्जेस के बीच में। आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो आप इसको बुलेट फॉर्म में लिख लो, जितने भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उनको पॉइंट वाइज में लिखते जाओ। अब आप मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते जाना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी कि जो क्यू यानी कि जो फोर्स जो होता है, दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि एफ वन टू का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आप ये लिख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, दो उन पॉइंट चार्जेस को, दो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है स्थिर वैद्युत की जो बल है वह दो बिंदुवत आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग लगता यानी की तरफ लगता है, ठीक है। और उनका परिमाण समान होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, ठीक है जी। यानी कि फोर्स ऑन वन जो डू टू टू और फोर्स ऑन टू डू टू वन। और अपन क्या लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, क्या इससे क्या पता चलता है कि ये कैसा फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है जी। तो ब्रैकेट में लिख लेना सेंट्रल फोर्स। साथ ही साथ अपन आगे बात करें तो और क्या बोल सकता हूं मैं कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लिख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है जी। ये एक पूरा पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना। साथ ही साथ नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड और क्या लिख सकते हैं, और कोई पॉइंट शायद छूटा नहीं है, बाकी सब अपने पॉइंट लिख ही लिए, ठीक है जी। तो ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कहानी हो गई। शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बेहतर समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो शायद आप लिख लोगे वो तुम, ठीक है जी। और आप लोग, मैं यही कहूँगा अभी भी कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में ही, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आप लोगों की लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आएगा, आप लोग की लिखने की हैबिट में इंप्रूवमेंट आएगा और आप लोगों के आंसर बेस्ट बनते जाएंगे अपने आप ही। यदि आपको समझ में आ गया, आपको लिखना नहीं आता तो लिखिए, एक बार गलत होगा दूसरा बार थोड़ा अटपटा लिखा जाएगा, तीसरा बार लिखा जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन आप लिखते जाओगे तो आपको मैं बोलता हूँ भविष्य में, फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि कोई बच्चा 11th क्लास से अगर ये प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी 12th का ऑब्वियसली बता परसेंटेज काफ़ी अच्छी बनेगी। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज फिर कोई भी कॉलेज आते हैं फिर किसी भी आगे जाके सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप लोग की जो राइटिंग हैबिट, राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस एग्जाम में, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा यदि आप लोग लैंग्वेज लिखने की हैबिट अभी से ही बनाते हो अपनी फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, वो देखना क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये क्या है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है जी। यानी कि Q2 क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं कोई तीसरा चार्ज लेके आ गया, तो अब बताओ कि जो इन दोनों के बीच का जो फोर्सेस है, जो इन दोनों चार्जेस का, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो भी पूरा सिस्टम है, इसके अंदर मैं क्या कर दिया, एक और चार्ज लेके आ गया, ठीक है, इसमें एक और चार्ज लेके आ गया, तो आप लोग बताओ मुझे कि क्या इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, इस तीसरे आवेश के लिए। जो अगर मैं तीसरा आवेश लेके आ गया, तीसरा चार्ज अगर मैं लेके आ गया, तो इन दोनों के बीच ये जो दो आवेश है, इनके बीच का जो फोर्स है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो आप लोग बोल सकते हो, वो क्या बोलोगे इसमें कि सर हमें तो नहीं पता। तो नहीं पता तो अपन देखते हैं कि जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कृपया ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें, और फिर भी सभी इसको ध्यान से सुने, ताकि हो सकता है कि आप लोगों ने अलग कंसेप्ट सीख रखा हो इस चीज, यानी कि इसको सीखने का ढंग अलग हो, तरीका अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, तो आपको हो सकता है कि ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो इन दोनों का जो बीच में जो फोर्सेस है, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो फोर्सेस है, उसका अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई भी चार्ज आए हो ना हो, उसका इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस है उसके ऊपर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो इन दोनों आवेश के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, उनमें जो प्यार मोहब्बत जो मेंटेन है, जो भी उनके बीच में जो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो मेंटेन रहेंगे। यदि तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी आवेश, अगर आप कितने भी आवेश लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है कि वो आवेश इनकी जिंदगी को तबाह कर देंगे, या फिर इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको कम या ज्यादा करेंगे। इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगते रहेंगे। यदि कोई तीसरा आता है तो ऐसा नहीं है, तीसरा आता है तो इनके बीच में भी लग जाएंगे, इसका इसके बीच में भी लग जाएगा, और इसके बीच में भी लग जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके इसके बीच में भी लग जाएगा, इसका इसके बीच में भी लग जाएगा। लेकिन इससे या फिर बाकी जो चार्जेस है उनकी वजह से इन दोनों के बीच का जो फोर्सेस है, या फिर किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्सेस है, वो कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी तीसरे चार्ज की वजह से, ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका भी फोर्स इसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसके ऊपर कैसे लगेगा फोर्स, इस तरीके से लग जाएगा। आपने बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगेगा, तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और इसके में इस तरीके से लग जाएगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन, ठीक है जी। और आगे बात, और इसके बीच में भी लग जाएगा, जैसे इसकी वजह से इसके ऊपर इधर लग जाएगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू, और इसका इसकी वजह से कैसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। समझ में आ रहा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि भाई आप लोग की जो लैंग्वेज है उसमें इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है जी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसका किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंट होने, चौथे चार्ज के प्रेजेंट होने या ना होने से उन दोनों के बीच के जो फोर्सेस हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई तीसरा चार्ज प्रेजेंट होता है तो जो उस तीसरा चार्ज अगर प्रेजेंट होता है तो इनके बीच में भी फोर्सेस लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो दो के बीच में लग रहे थे वो चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि तीन के लिए वैलिड है, कितने भी हो सकते हैं चार्जेस, तो किन्हीं दो के बीच में जो फोर्सेस है, किन्हीं दो के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो तीसरे से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है ना। आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव यानी कि अट्रैक्शन या फिर
रिपल्सन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अदर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है जी, तो अपन ने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया, और मैं आपको वो बोल देता हूं कि अब है ना ये जो थ्योरी पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आज के लेक्चर में, जो भी आज फर्स्ट लेक्चर में, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़े, और साथ ही साथ जो नीट के स्टूडेंट हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसे आप पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, लैंग्वेज आप अच्छा आसानी से लिख पाओगे बोर्ड के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बोर्ड की जो प्रिपरेशन होगी वो आप लोग बाद में करोगे, या फिर पहले एक बार नीट की कर लेते हो, या फिर जो आईआईटी करो तो आईआईटी की तैयारी कर लेते हो। आप जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में जो थ्योरी है उसको साथ के साथ पढ़ते चलो। थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखने की, आंसर्स लिखने की हैबिट बनेगी, आंसर लिखने का तरीका पता चलेगा, और अपने लैंग्वेज में लिखोगे आंसर तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो भी आप सोल्व करते रहें, जो भी आपको इंस्टीट्यूट द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसके बाद उसको सोल्व करें। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ करने का नहीं है, अभी तो आप इसको अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ो। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लासेस का लेने वाला हूं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक वेक्टर जो है उसको आप पढ़ लीजिए। छोटा मोटा जो मैकेनिक्स जो है एनएलएम वगैरह से रिलेटेड, या फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड जो भी मैकेनिक्स का पोर्शन है, ठीक है जी, उसको एक बार पूरा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके जो दूसरा इसका लेक्चर होगा, मैं इसमें जितना भी अपन ने पढ़ा उससे मैं काफ़ी सारे उसमें आपके से एग्जाम्पल लेके आऊँगा, तो वो एग्जाम्पल आप समझ पाओगे तभी जब आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैकेनिक्स से का आइडिया होगा। जो भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वन, इसमें ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वन डाल लेना हेडिंग, कि इसमें जितना भी मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा वो सारा आपसे मैकेनिक्स से रिलेटेड ही होगा। ठीक है ना, जो भी उसमें होगा मैकेनिक्स आपको उसमें आना थोड़ा अनिवार्य है, आवश्यक है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ उस नेक्स्ट लेक्चर को तभी देखना जब आप लोग थोड़ा बहुत उसका एक बार हल्का फुल्का पूरा रिवाइज कर लो, वेक्टर वगैरह का जो भी मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो। ठीक है जी, थैंक यू।